हेलो फ्रेंड्स, जसप्रीत हियर। आज की वीडियो में मैं आपको जो एक्सेल के फॉर्मूलाज हैं उनको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास ये हम स्टूडेंट रिकॉर्ड मैंने रेडी करके रखा हुआ है, आप चेक कर सकते हो। इस तरीके से स्टूडेंट्स का रोल नंबर है, नेम है और सब्जेक्ट्स के मार्क्स रखे हुए हैं। जैसे अभी हमने टोटल करना है, ठीक है, स्टूडेंट्स का जो टोटल है वो निकालना है, तो आप किस तरीके से निकालोगे? ये देखो, यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल के साथ। हर कोई फॉर्मूला इक्वल के साथ स्टार्ट होता है, इक्वल सम। इस तरीके से सम आया तो आप इस पर जो है डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको यहाँ पर शो भी होता है कि आपने क्या करना है, जैसे नंबर वन, नंबर टू, कितने नंबर्स का आपने सम करवाना है। हम यहाँ से रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से पहले आप इसको इस पर क्लिक करना और इसे ड्रैग करके जहां तक आपको चाहिए वहां तक आप लेकर जा सकते हो और देन एंटर कर दो। तो ये देखो ऑटोमेटिकली ये सबने आ गया। ऑटोमेटिकली ये तब आएगा अगर आप मतलब कि जो भी आपने डेटा लिखा हुआ है उसको टेबल में कन्वर्ट कर दोगे। टेबल में कैसे कन्वर्ट होगा? इस डेटा को सारे को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी कर दोगे तो वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल रखते हो तो उसको क्या करना है, जैसे इसमें फॉर्मूला एक में अप्लाई किया तो यहाँ से आप ड्रैग करके लेकर जा सकते हो, तो तभी भी फॉर्मूला जो है वो सब में एड हो जाएगा। नेक्स्ट है एवरेज का। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे एवरेज मीन्स परसेंटेज ही होती है, ठीक है, तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज का फॉर्मूला नॉर्मल आप एवरेज फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो वो हो जाएगा। जैसे इस तरीके से एवरेज निकालनी है, किसकी एवरेज निकालनी है, इस तरीके से एक स्टूडेंट की एवरेज निकालनी है तो एंटर कर दो और ये देखो इस तरीके से वो परसेंटेज भी आ गई हो। नेक्स्ट, अभी हम जो है रैंक निकालेंगे, मीन्स पोजीशन निकालेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पहले आप चेक कर सकते हो ये हमारे पास कितने स्टूडेंट का डेटा है, 30 स्टूडेंट्स का डेटा है हमारे पास। और जैसे आपने पोजीशन निकालनी है, पोजीशन के लिए हमारे पास रैंक का फॉर्मूला होता है, तो ये देखो यहाँ पर हम इक्वल के साथ रैंक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। रैंक में क्या होगा, ये जो सिंपल वाला रैंक है ना इसको लेकर चलेंगे हम। तो सबसे पहले नंबर रैंक, जो जब भी हमने पोजीशन निकालनी है उसके लिए आपके पास या तो टोटल होना चाहिए या परसेंटेज होनी चाहिए, ठीक है, दोनों पर अप्लाई हो जाता है। तो हम टोटल पर अप्लाई करते हैं। पहले ये इस तरीके से जो फर्स्ट आपका टोटल के नीचे सेल होगा उसको सिलेक्ट कर लो, देन उसके बाद ये पूरा आपने कॉलम सिलेक्ट करना है टोटल वाला। इस तरीके से जहां तक आपका स्टूडेंट का रिकॉर्ड है वहां तक आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, फिर से कॉमा डालोगे और ऑर्डर ऑर्डर जैसे हम डिसेंडिंग लेंगे, क्योंकि जो जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हमने फर्स्ट पोजीशन देनी है, तो इस तरीके से डिसेंडिंग को सिलेक्ट कर लोगे और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप क्या कर दोगे, एंटर। तो ये देखो इस तरीके से हमारे पास पोजीशन भी आ गई है। तो ये वही एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ रैंक का फॉर्मूला। पहले हम रैंक लिखेंगे, उसके बाद जो टोटल है उसका जो फर्स्ट सेल है उसको सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा डाल के पूरा जो कॉलम है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम जो है डिसेंडिंग को सिलेक्ट करेंगे। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारी फर्स्ट पोजीशन किस स्टूडेंट की है। तो फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर ये देखो, ये हमारी फर्स्ट पोजीशन है इस स्टूडेंट की, अमनप्रीत स्टूडेंट की। और इस तरीके से हमारे पास सभी की पोजीशन निकल जाएगी। और ये देखो इसकी सेकेंड पोजीशन है मनप्रीत की। इस तरीके से आप जो है पोजीशंस को आसानी से निकाल सकते हो। और नेक्स्ट हमारे पास होता है एक मैक्स का फॉर्मूला। मैक्स का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे कि ये बता देगा आप जो भी नंबर सिलेक्ट करोगे कि उसमें मैक्सिमम कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है। जैसे मैक्स आपने सिलेक्ट किया और आप रेंज सिलेक्ट करोगे, जैसे ये रहा, हम यहाँ तक ही देखेंगे स्टूडेंट्स के जो मतलब कि मार्क्स है उनमें से सबसे मैक्सिमम कौन सा है, 88, ठीक है। इसका 88 मैक्सिमम है, इसका भी 88 मैक्सिमम है, इसका 97 मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम फाइंड आउट करके हमें बता देता है। और हमारे पास होता है मिनिमम का फॉर्मूला। मिनिमम में हम जो है मिनिमम फाइंड आउट करके ये बता देगा। इक्वल के साथ मिन लिखोगे और रेंज सिलेक्ट करोगे किसका आपने मिनिमम निकालना है,
तो इस तरीके से ये आपको मिनिमम निकाल देगा। एक तो हम इस तरीके से निकाल रहे हैं, एक और है जैसे हमने यहाँ पर मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, मैक्सिमम के लिए ये यहाँ तो हमने फिक्स कर दिया कि हम जो स्कोर आए स्टूडेंट्स के उनमें से ही मैक्सिमम निकालना है। अगर आपने अलग से किसी चीज में से फाइंड आउट करना है कि इनमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। उसमें जो सबसे मैक्सिमम होगा वो ये निकाल के बता देगा आपको। ये देखो 416 जो हमने सिलेक्ट किया था उसमें ये सबसे बड़ा नंबर था। ठीक है, तो आप इस तरीके से साइड में भी अप्लाई कर सकते हो। सभी को जितनी आपने रेंज सिलेक्ट करनी है उसका ये आपको फाइंड आउट करके बता देगा। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम काउंट का फॉर्मूला उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। पहले तो हमारे पास काउंट के फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं, एक तो है काउंट का, एक है हमारे पास काउंट ए और है काउंट ब्लैंक। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूलाज है, इनको हम किस तरीके से यूज करते हैं। पहले तो जो काउंट है ये क्या करता है, ये जो भी हम सेल सिलेक्ट करेंगे उनको काउंट करके बता देगा कि उसमें कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स वाले सेल हैं। जैसे अगर हमने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया तो ये टेक्स्ट को काउंट नहीं करता, ओनली जिसमें नंबर्स हैं उन सेल्स को काउंट करता है। और काउंट ए क्या करता है, ये टेक्स्ट को भी काउंट करता है, नंबर्स को भी काउंट करता है। काउंट ब्लैंक क्या करता है, जो भी इसमें ब्लैंक सेल होंगे उनको काउंट कर देगा। अभी फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं। जैसे काउंट देखो पहले, तो इसके लिए हमने जैसे यहां से सिलेक्ट किया और जैसे मैंने इतना सिलेक्ट किया, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, 10 तो ये वाले हो गए और एक ये वाला हो गया। ठीक है, 11 हो गए और इस साइड कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारे पास कॉलम है और 11 हमारे पास क्या है, रोज है। तो कितने हो गए, 77 हो गए, लेकिन इसका आंसर 77 नहीं आएगा, 60 आया। 60 क्यों आया, क्योंकि जो इसमें से ये वाले थे इसको इसने काउंट नहीं किया। तो देख लेते हैं, 70 हमने बोला था कि 77, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और यहाँ से आ गया 9 10 11 12 13 14 15। इस तरीके से जो ये वाले थे इनको इसने काउंट नहीं किया। तो नेक्स्ट ये देख सकते हो आप कि यहाँ से हमारे पास काउंट ए में क्या करेगा, ये सभी को काउंट कर देगा। इसमें आप लगाओगे काउंट ए का फॉर्मूला। जैसे यहां से हम करेंगे तो 11 तक जाएंगे और यहां से कहां तक गए थे, जी जी तक देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ गए हमारे पास 84। ओके, हाँ जी तक ही गए थे, तो ये टोटल हमारे पास 84 थे। ठीक है, और उसमें से जो इसको निगलेक्ट कर दिया, मतलब कि हमने जो टेक्स्ट है उसको निकाल दें, तो हमको उसके ये नंबर्स बता देगा, ये नंबर प्लस टेक्स्ट जितने सेल्स में उनको बता देगा। तो काउंट ब्लैंक में हम क्या करेंगे, काउंट ब्लैंक ये रहा। इसमें आप जैसे इसमें तो कोई ब्लैंक है नहीं सेल, तो यहां से हम इसको काउंट कर लेते हैं, यहाँ तक काउंट कर लेते हैं। ये 10 होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये वाली रो भी है ऊपर वाली, तो यहाँ हमने 9 तक लिया, तो देख लेते हैं एंटर करके, तो ये देखो आंसर हमारा 10 आया। तो इस तरीके से हम काउंट काउंट ए काउंट ब्लैंक को यूज कर सकते हैं। अगर हमने चेक करना हो कि कितने सेल्स हैं जिसमें हमारे पास नंबर्स हैं, जो सभी को काउंट करना हो, चाहे टेक्स्ट हो या फिर हमने ब्लैंक्स देखने हो हमारे रिकॉर्ड में कि कोई ब्लैंक सेल तो नहीं है, तभी हम इन फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज क्या होते हैं। एक्चुअली स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज में क्या होता है, जैसे इसमें आ जाते हैं सम इफ, एवरेज इफ, काउंट इफ और सम इफ्स, एवरेज इफ्स और काउंट इफ्स। ठीक है, इस तरीके के जो फॉर्मूलाज हैं वो स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज में आ जाते हैं, जिसमें हम कंडीशन अप्लाई करते हैं कि जैसे हमने पहले किया था कि जो भी हम सिलेक्ट करते थे उन सबका सम निकाल देते थे, लेकिन अभी यहाँ पर कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। जैसे हमको उस ओनली यहाँ पर लिखा है सम ऑफ नंबर लेस देन 60, जो 60 से लेस देन है सिर्फ उनका ही सम चाहिए, मीन्स 60 से लेस देन यही वाले हैं 50 40 30 20 10, तो इन सबका सम आ जाएगा, सारी रेंज जो है हमारे पास सारा कॉलम है जो उसका सम नहीं आएगा। नॉर्मल सम से क्या होता था, जैसे ये देखो नॉर्मल सम में हम क्या करते थे, इस तरीके से इक्वल सम अप्लाई करके, ओके, और हम जो है
जिसका हमने सम करना है सभी को सिलेक्ट कर लेते और जैसे एंटर करते तो उसका सम निकल कर आ जा रहा था। जैसे ये 550 आ गया, अभी हमने जो है हमें चाहिए सम जो 60 से लेस देन है, तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे सम, नहीं सम इफ अप्लाई करेंगे। ओके, तो ये सम इफ हमने अप्लाई किया। उसके बाद आपको रेंज चाहिए, रेंज की कौन सी है, ये वाली रेंज है हमारे पास। उसके बाद क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया मतलब कोई भी कंडीशन अप्लाई करनी है। जैसे अभी हम अप्लाई कर रहे हैं कि ये 60 से लेस देन है, तो इसको आप डबल कोट्स में लिखोगे इस तरीके से, ठीक है। 60 से जो लेस देन है उनका सम यहाँ पर हमें ये निकाल कर दे देगा, ठीक है। 60 से लेस यही है 50, 40, 30, 20, 10। तो ये देखो इस तरीके से 150 जो है वो हमारे पास आंसर आ गया। आप इनको काउंट भी करके देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ नंबर्स अगेंस्ट मार्च, ठीक है। जो मार्च के सामने वाले जो नंबर्स हैं उनका ही हमें सम चाहिए। जैसे मार्च के सामने देखो एक ये 10 रहा और मार्च के सामने ये 100, मीन्स इनका दोनों का सम हमें चाहिए जो जो मार्च के अगेंस्ट है या सामने है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे, इक्वल के साथ समेत, और इसके बाद हमें चाहिए जो ये रेंज है जिस पर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, ये देखो इस तरीके से कॉमा, और अभी हम डबल कोट्स में लिखेंगे मार्च, ठीक है। तो ये हमने कंडीशन अप्लाई कर दी इसी रेंज पर। और नेक्स्ट सम किसका चाहिए हमें, नंबर्स का। तो अभी हम जो नंबर्स वाला कॉलम है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम जो है इस फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं। तो ये देखो 1110 आ गया, जो मार्च था ये 10 है, ये 100 है, तो इन दोनों का सम कितना आ गया, 110। इस तरीके से हम जो है सम इफ यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास काउंट ऑफ नंबर लेस देन 60। ये तो सम इफ था, अभी हम काउंट इफ देखेंगे। काउंट भी मैंने आपको बताया था अभी कि काउंट जिसको भी हम सिलेक्ट करते हैं उन सभी में से जो नंबर्स है उनका काउंट कर देता है। इसमें अभी कंडीशन अप्लाई करेंगे जो 60 से लेस देन है उनको काउंट करके बता दी। तो 60 से लेस देन नहीं है हमारे पास 5, तो यहाँ पर 5 आंसर आएगा। और लिखेंगे हम किस तरीके से, इस तरीके से काउंट इफ, ये रहा काउंट इफ, और रेंज सिलेक्ट कर लो जिस पर आपने अप्लाई करना है, और क्राइटेरिया क्या है वही लेस देन 60, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5। तो ये हमारे पास 5 ऐसे नंबर थे जिनका जो है 60 से लेस देन थे, तो इसने काउंट करके बता दिया। उसी तरीके से एवरेज है, जैसे सम अभी हम निकाल रहे थे उसी तरीके से हम एवरेज इफ अप्लाई करते हैं। जैसे ये जो हमारे पास अभी हम 60 से लेस देन का अप्लाई करेंगे तो ये जो 5 नंबर है हमारे पास इनका एवरेज निकाल के बता देगा। तो पहले हम रेंज सिलेक्ट करेंगे, देन हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, ये देखो 30, मीन्स इन जो ये 60 से लेस देन है इन सभी का जो एवरेज है हमारे पास वो क्या है, 30 आ गया। तो इस तरीके से हम जो है सम इफ, काउंट इफ और एवरेजेस को यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इफ्स, ठीक है, सम इफ्स। तो उसको किस तरीके से यूज करते हैं, जैसे ये अभी हम चाहते हैं कि जो मार्च के सामने उनका तो आ जाए, लेकिन अभी हम नेम जो है उसको थोड़ा सजेस्ट कर रहे हैं कि जो नेम्स है उसके अकॉर्डिंग भी आ जाए। मतलब अगर हमने दो या तीन कॉलम पर कंडीशन अप्लाई करनी है तब हम इफ्स यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, सम ऑफ नंबर्स बिलोंगिंग टू मार्च एंड अमित, जो मार्च को बिलोंग कर रहे हैं और अमित को भी बिलोंग कर रहे हैं, तो उनका हमें सम चाहिए इक्वल। इसमें अभी हम इफ्स लिखेंगे, पहले वाले में हम सम इफ लिख रहे थे, अभी इफ्स। इसमें क्या है, जिसका हमें सम चाहिए उसको हम फर्स्ट पर सिलेक्ट करते हैं। इसका हमें सम चाहिए तो इसको अभी हम फर्स्ट पे सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर भी देख सकते हो सम रेंज पहले आएगी और जिन पर हमने कंडीशन अप्लाई करनी है वो बाद में आएंगे। जैसे इसमें हमने सिलेक्ट किया और इस पर कंडीशन जो है वो हमने अप्लाई की है मार्च, ओके। देन नेक्स्ट जो है ये हमने ये वाला कॉलम सिलेक्ट किया और इस पर हमने कंडीशन अप्लाई की है अमित, तो इसको डबल कोट्स में लिखेंगे। तो पहले हम चेक कर लेते हैं, अमित मार्च, एक तो 10 हो गया, अमित यहाँ पर फेब है तो इसको तो सिलेक्ट नहीं करेगा, और अमित मार्च 100, तो ये 100 है एक 10 है, तो इनका आंसर हमारे पास 110 आ जाएगा। ये देखो
110, मतलब कि हमने दो कॉलम लिए हैं, अभी दो कॉलम पर कंडीशन अप्लाई करके हम जो है सम निकाल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास काउंट है, काउंट में ये काउंट करके बता देगा कि जो अमित और मार्च दोनों के कोरिस्पोंडिंग जो हमारे पास नंबर्स हैं वो कितने हैं, तो ये काउंट कर देगा, यहाँ पर दो आ जाएगा क्योंकि दो ही है, एक 10 वाला एक 100 वाला। पहले हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, काउंट इफ्स, ये रहा काउंट इफ्स। क्राइटेरिया, ये रहा क्राइटेरिया, इस पर अभी लिख देते हैं हम मार्च और नेक्स्ट हम सिलेक्ट करते हैं अमित वाला और इसमें लिख देते हैं हम अमित। अभी हम देखते हैं आंसर आया, हाँ जी ये देखो दो आंसर आ गया, तो इन दोनों को उसने काउंट कर दिया। और नेक्स्ट है एवरेज, एवरेज भी इसी तरीके से निकलेगा, इन दोनों की एवरेज निकाल देगा वो एवरेज टिप्स। पहले जिसकी एवरेज निकालनी है उस कॉलम को सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद हमारे पास हम क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे इस पर हम लिख देते हैं मार्च और नेक्स्ट वाला हम सिलेक्ट करते हैं, इसमें हम लिख देते हैं अमित। जब भी ये हमने लिखना है वो डबल कोट्स में लिखना है, चाहे कंडीशन अप्लाई करनी है। तो ये देखो 55 आ गया, 100 और 10 इन दोनों की जो एवरेज है वो 55 होगी। तो इस तरीके से हम जो है स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं लॉजिकल फॉर्मूलाज में, लॉजिकल फॉर्मूलाज में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे एंड और नॉट नॉर एग्जॉर और भी काफी है, लेकिन अभी फिलहाल हम सिर्फ एंड और नॉट करेंगे। एंड और नॉट में ये हमारे पास ये इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जो एंड होता है इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 1 को 0 के साथ किया 0 आ गया, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। और में हम प्लस करते हैं, 1 के साथ 1 डिजिट को प्लस करेंगे तो 1 आएगा, 0 में 1 को प्लस करेंगे 1 आएगा, 1 में 0 को करेंगे 1 आएगा, 0 प्लस 0 करेंगे तो 0 आएगा। और इसमें हमारे पास नॉट में क्या होता है, ऑपोजिट होता है, जैसे ये फर्स्ट वाले का हमने किया है, 1 का ऑपोजिट 0 हो गया, 0 का 1, 1 का 0 और 0 का 1, इस तरीके से हम क्या करते हैं इनका ऑपोजिट करते हैं। तो ये हमारे पास एंड और नॉट इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। 1 का मतलब ट्रू होता है और 0 का मतलब होता है हमारे पास फॉल्स, ठीक है। तो यही है कि अगर दो कंडीशंस, मान लो एक कंडीशन ये है एक कंडीशन ये है, दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगी तो एंड में हमारे पास वो ट्रू होगा, अदरवाइज उसमें कुछ भी ट्रू नहीं होगा। जैसे ये अगर चाहे एक ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो भी हमारे पास वो फॉल्स ही रहेगी कंडीशन, और अगर दोनों फॉल्स है तब भी फॉल्स रहेगी। एंड में कब कंडीशन ट्रू होगी, जब दोनों ही ट्रू होगी, ठीक है, तो अभी तभी आंसर जो है वो ट्रू में आएगा। और में हमारे पास क्या होता है, अगर एक कंडीशन भी हमारे पास ट्रू है तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो ट्रू में आएगा। जैसे ये देखो एक कंडीशन ट्रू है, इसमें एक कंडीशन ट्रू है, इसमें दोनों ट्रू है, तो ये हमारे पास ट्रू में आएगा, और दोनों फॉल्स है तो नहीं आएगा। नॉट में ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं अप्लाई करके, अभी मैं आपको अप्लाई करके बताती हूँ कि एंड का फॉर्मूला हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो ये देखो एंड आ गया, यहाँ पर हमारे पास जितने आप लॉजिक लगाना चाहते हो उतने, लेकिन हम जो है दो लॉजिक को लेकर चलेंगे, एक हम टोटल पर लॉजिक लगाएंगे एक एज। इसका मतलब ये है कि मतलब कि जैसे टोटल पर पहले हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम कर देते हैं अगर वो ग्रेटर देन 350 है, ओके, ग्रेटर देन 350 है, और दूसरा हम अप्लाई करते हैं एज पर, अगर उसकी एज ग्रेटर देन 15 है, ठीक है, तो अगर दोनों कंडीशंस जिसमें मतलब कि उसका टोटल 350 से ज्यादा हो और उसकी एज 15 से ज्यादा हो तभी वो ट्रू होगा, अदरवाइज इनमें से दोनों में से एक भी गलत हो गया
तो दोनों ही गलत जाएंगे, उसका फॉल्स आएगा। तो ये देखो यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया था एंड में कब ट्रू होगा, जब दोनों कंडीशंस जो है वो ट्रू हो। तो ये देख लेते हैं हम, ये फॉल्स हुई है फर्स्ट वाली। फॉल्स कैसे होगी, क्योंकि टोटल 351 से तो मतलब कि बड़ा है, लेकिन एज 15 है, तो 15 से बड़ी होनी चाहिए, तो मतलब ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये हमारा आंसर भी फॉल्स में आ गया। अभी हम फॉर्मूला को कॉपी कर देते हैं इस तरीके से, ड्रैग करके हमने फॉर्मूला को कर दिया कॉपी। तो अभी देख लेते हैं, इसमें आप चेक कर सकते हो किसी का ट्रू है किसी का फॉल्स है। तो जो ट्रू है उसका हम देख लेते हैं कि दोनों कंडीशन सही है। ये देखो टोटल हमारा 371 है, मतलब 350 से बड़ा है, और यहाँ पर 15 से बड़ी एज है, तो ये ट्रू हो गया। तो इसमें देखो 402 ये तो बड़ा है, लेकिन 15 है, 15 से बड़ा नहीं है, तो फॉल्स हो गया। मतलब एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो फॉल्स होगा, दोनों ट्रू होनी चाहिए। इसमें देख लेते हैं 416 है, 350 से बड़ा है, और यहाँ पर 15 से बड़ा है, तो ये ट्रू आ गया। इनका आप बोलोगे कि ये ट्रू फॉल्स का हमने क्या करना, इसका यूज हम इफ में करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आप इतना देख लो कि एंड और नॉट किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर फॉल्स, और में भी हम सेम ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये रहा, और लॉजिक वही हम अप्लाई करेंगे, ग्रेटर देन 350 कॉमा दूसरा एज ग्रेटर देन 15, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहले तो हम इसको फॉर्मूला को कॉपी कर देते हैं यहाँ तक, ठीक है। अभी इसमें ज्यादातर ट्रू है फॉल्स कम है, क्यों है, क्योंकि और में मैंने बताया था कि अगर एक भी कंडीशन दोनों में से ट्रू हो जाती है तो हमारा आंसर ट्रू में आएगा, तो फॉल्स कब होगा, जो दोनों ही फॉल्स होंगी। तो ये हम देख लेते हैं, इसमें सबसे पहले 351 और 15, तो ये मतलब कि 350 से बड़ा है तो ट्रू होगी। इसमें ये बड़ा है, दोनों बड़े हैं तो ट्रू होगी, ये बड़ा है लेकिन ये बड़ा नहीं है, लेकिन एक कंडीशन ट्रू है तो ट्रू है। तो और एंड में यही डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉट, नॉट में क्या होगा, बिल्कुल ऑपोजिट आ जाएगा, जैसे हम इसमें अप्लाई करते हैं, ये तो हम इस पर ही अप्लाई कर देते हैं इस तरीके से, नॉट लॉजिक, जैसे नॉट का लॉजिक हम इस पर अप्लाई कर देते हैं, अगर ये एंड बस वही, ठीक है। मतलब जो भी ये यहाँ पर है उसका ऑपोजिट आ जाएगा। तो ये देखो अगर हमको ऑपोजिट चाहिए तो हमने इस पर अप्लाई किया है, तो ये आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर फॉल्स है ट्रू आ गया, ट्रू है तो फॉल्स आ गया, फॉल्स है तो ट्रू आ गया, ये बिल्कुल ऑपोजिट जाएगा। तो इस तरीके से हम और नॉट एंड को अप्लाई करते हैं। अभी इफ, इफ का मतलब क्या होता है, कंडीशन अगर, अगर ये ठीक होती है तो फर्स्ट वाला प्रिंट होगा, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती तो नेक्स्ट वाला प्रिंट होगा। जैसे अभी मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ, इफ यहाँ पर लॉजिक टेस्ट, पहले हम लॉजिक टेस्ट अप्लाई करेंगे, तो टेस्ट हम यही वाला अप्लाई कर देते हैं, ये आप चेक कर सकते हो। जैसे एंड वाला हम अप्लाई करते हैं, टोटल ये रहा, अगर वो ग्रेटर देन 350 है कॉमा उसकी एज, देन उसकी एज 15 से बड़ी है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया हमारा लॉजिक, हम यहाँ पर कॉमा अप्लाई कर देते हैं। अगर ये वाली, ये दोनों इस तरीके से हैं, लेकिन इसमें अभी एंड डालना पड़ेगा, एंड का मैं बाद में बताती हूँ, पहले हम एक ही कंडीशन देखते हैं, ठीक है। तो एक कंडीशन अप्लाई किया, अगर वो 350 से बड़े हैं, ठीक है, कॉमा, तो यहाँ पर जो, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पर जो लिखेंगे वो प्रिंट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो नेक्स्ट जो लिखेंगे वो होगा। जैसे हम लिख देते हैं अलाउड फॉर टूर, ठीक है, टूर के लिए उनको अलाउ किया जाता है, अदरवाइज ये भी हम डबल कोट्स में लिखेंगे इनको, और नेक्स्ट है डबल कोट्स में नॉट अलाउड,
ठीक, तो ये देखो ये यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। अभी हम कॉपी कर देते हैं यहाँ पर। अभी आप देखोगे जो हमने कंडीशन अप्लाई की है, मतलब किनको टूर के लिए अलाउ किया जाएगा, जो 350 से जिनकी जिनका टोटल ज्यादा है, जैसे ये 351 है, 371 है, तो ये चारों जो है इनका मतलब कि 350 से ज्यादा, तो ये टूर के लिए अलाउ किया जाएगा इनको, लेकिन इनका नहीं है तो वहां पर नॉट अलाउड आ गया। तो वही है, अगर कंडीशन ट्रू है, जो यहाँ पर हमने जो कंडीशन अप्लाई की है अगर वो ट्रू है, तो जो जस्ट साथ में होगा वो हमारे पास मतलब यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज उससे नेक्स्ट वाला प्रिंट होगा अगर वो फॉल्स है। तो इसी तरीके से हम अभी इनको यूज करके बताती हूँ मैं एंड और नॉट को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें अभी हम वही वाला सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इफ के साथ एंड। देखो सेम, पहले हम इफ डालेंगे, इफ के बाद हम लिखेंगे एंड, ठीक है, और एंड में हम जो लॉजिक अप्लाई करेंगे वो सेम ही करेंगे, 350 से बड़ा कॉमा अगर उसकी एज जो है वो 15 से बड़ी है, तो ये हो गया हमारा ब्रैकेट क्लोज। तो हमने यहां तक एंड अप्लाई कर दिया, कंडीशन हमारी इसी में आ गई, और यहां पर हम करेंगे अलाउ फॉर टूर, ठीक है, और नॉट अलाउ ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा, पहले हमने सिंपल कंडीशन अप्लाई की थी, अभी हम एंड को अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें चाहिए कि हमने उसकी ओनली टोटल को देखकर या उसकी जो मार्क्स है उसको देखकर ही हम उसको टूर के लिए अप्लाई टूर के लिए अलाउ नहीं कर रहे स्टूडेंट को, हम जो है उसकी एज भी देखेंगे। अगर कोई और चीज है जिसके मतलब जिससे रिलेटेड आप भी उनको अलाउ करोगे तो आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने फिलहाल उनका टोटल लिया है और एज लिया है, अगर ये एज इन दोनों को, ठीक है, अगर ये दोनों सेटिस्फाइड होती हैं तो वो टूर के लिए अलाउड होंगे, अदरवाइज नहीं। और अगर आप चाहते हो कि चाहे उसके मार्क्स ज्यादा हो या एज इन दोनों में से एक, तो आप यहाँ पर और डाल सकते हो। तो इस तरीके से हम इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं। ओके, एक सेकेंड, फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम है देख लेते, नॉट अलाउड, ठीक है। ये देखो इस तरीके से ये आ गया, यहाँ पर फॉल्स था तो नॉट अलाउड होगा, ट्रू है तो अलाउड होगा टूर के लिए, फॉल्स है तो नॉट अलाउड, इस तरीके से, ठीक है। तो एंड को यूज किया है, लेकिन जो फॉल्स है मतलब उनके लिए नॉट अलाउड हमने लिखा था, और जो ट्रू है उनके लिए अलाउड लिखा था। तो इस तरीके से हम जो है इफ एंड और इफ नॉट को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे हमारे लॉजिकल फॉर्मूले। नेक्स्ट है हमारे पास सब टोटल। सब टोटल का फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, अगर हमारे पास जो हमारी ये हेडिंग्स है उन पर फिल्टर अप्लाई किया होगा, जैसे ये देखो इसको सिलेक्ट करके पहले तो मैं इसमें फिल्टर अप्लाई कर देती हूँ, यहाँ से हमको मिल जाएगा फिल्टर, तो ये मैंने फिल्टर अप्लाई कर दिया। फिल्टर क्या, फिल्टर का फायदा क्या होता है, जैसे ये हमारे पास बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और हम किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को उसके रोल नंबर के अकॉर्डिंग या फिर मतलब कि उसके सीरियल नंबर या किसी तरीके से उसको चेक करना चाहते हैं, जैसे मान लो हम रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग चेक करना चाहते हैं, हम सभी को यहाँ से सिलेक्ट ऑल हटा के जैसे इसको और इनको, इन दो रोल नंबर्स को मैं चेक करना चाहती हूँ, ठीक है, थ्री रोल नंबर्स को, तो ये फिल्टर का हमें ये फायदा होता है कि हम उसकी पूरी डिटेल इस तरीके से चेक कर सकते हैं फिल्टर में, ठीक है, अगर हमने हेडिंग में फिल्टर अप्लाई किया होगा। और फिर से अगर आपने इसको हटाना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके हटा के इस तरीके से ओके कर दो, तो ये फिर से हमें शो होने लग जाएगा। अभी सब टोटल का क्या होता है, जो सब टोटल होता है जैसे हम अगर हम सम एवरेज वगैरह काउंट मैक्सिमम मिनिमम इन फॉर्मूलाज को हम फिल्टर पर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने सब टोटल बनाया है कि सब टोटल की हेल्प से हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मानो ये यहाँ पर मैंने जो है इसमें इनका टोटल करना है हमने, ठीक है, तो यहाँ पर हमने सम अप्लाई किया, ठीक है, सम अप्लाई किया और इसमें हमने सिलेक्ट की ये पूरा कॉलम, इस तरीके से इंग्लिश वाला कॉलम हमने पूरा
यहां पर सिलेक्ट कर लिया है यहां तक, ठीक है, और एंटर कर देंगे। अभी तो ये शो हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। और नेक्स्ट अभी हम जो है फॉर्मूला इसको कॉपी कर देते हैं सभी यहां तक, तो ये मैंने कॉपी कर दिया, तो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन जब हम अगर हम जब सिलेक्ट करेंगे किसी पर्टिकुलर को, तब ये हमें शो नहीं होगा। जैसे मान लो ये दो तीन रोल नंबर को मैं इकट्ठा चेक करना चाहती हूँ, ओके करेंगे, तो ये देखो यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा, ठीक है, टोटल के साथ जो भी है, कि यहाँ पर जो तीन हमने निकाले उनका भी टोटल या फिर उनका एवरेज या उनका काउंट जो भी हमने अप्लाई करना है कि वो शो हो जाए। तो उसके लिए हम सब टोटल अप्लाई करते हैं। जैसे देखो अभी उसी फॉर्मूला में हम क्या चेंजेस करेंगे, तो ये उसमें हम सम के, यहाँ पर हमने सम अप्लाई किया, हम यहाँ पर सम नहीं अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे सब टोटल, ठीक है, सब टोटल। और उसके साथ अगर आपने एवरेज निकालने तो एवरेज सिलेक्ट कर लो, मैक्सिमम मिनिमम जो भी आप निकालना चाहते हो। मैं फिलहाल सम यूज कर रही हूँ 9, तो यहाँ पर शो हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, जो आपकी रेंज है उसको सिलेक्ट करोगे, जैसे ये इंग्लिश कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर और एंटर कर देंगे। तो ये देखो फॉर्मूला तो वही है, मतलब आंसर तो सेम आएगा, लेकिन फिल्टर में ये बाद में अप्लाई हो जाएगा। इसी फॉर्मूला को मैंने सब में कॉपी कर दिया, ये देखो सब टोटल यहाँ पर आ गया, 9 जो है सम को शो कर रहा है और ये इनके कॉलम्स है। अभी हम फिर से चेक करते हैं, तो आप देखोगे जैसे अभी फिर से मैं चेक करके बताती हूँ आपको, जैसे हमने तीन जो भी हमारे रोल नंबर्स हैं, तीन ले लो चार ले लो जो भी आप चेक करना चाहते हो, तो इस तरीके से अभी देखो इनका टोटल यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है, मतलब ये जो चार सिलेक्ट किए इनका भी टोटल अभी निकाल के बता रहा है। तो सब टोटल फॉर्मूला हम उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है, जब हमने फिल्टर अप्लाई करना हो, तो इस तरीके से हम सब टोटल फॉर्मूला को यूज कर लेंगे। हम सबसे पहले ये देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट रिकॉर्ड है, हमारे पास एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट्स के रोल नंबर है, नेम्स है, और उनके अलग अलग स्टूडेंट्स के स्कोर हैं। जैसे ये हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पर इनका टोटल निकाला हुआ है सम का फॉर्मूला अप्लाई करके, और उसके बाद परसेंटेज निकाली हुई है एवरेज का फॉर्मूला यूज करके। तो यहाँ पर टोटल और हमने परसेंटेज ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो अभी हम देखेंगे कि हम ग्रेड्स को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये अलग से आप टेबल इस तरीके से क्रिएट कर लो क्राइटेरिया और ग्रेड का, क्योंकि हम जब जब वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसमें जो है ग्रेड्स इसी से देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि हम किस तरीके से जो है ग्रेड्स को निकाल सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पर ग्रेड्स लिखा और यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला जो है वो क्या है, वी लुकअप। तो वी लुकअप का फॉर्मूला इस तरीके से है, वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप, चेक करना वर्टिकली, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू के लिए हम जो है परसेंटेज का जो फर्स्ट सेल होगा उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास है टेबल एरे। टेबल एरे मतलब किस टेबल से आप जो है इसको चेक करोगे, ठीक है। तो ये वाला हम जो टेबल इस अलग से हमने मतलब क्रिएट किया हुआ है, इस टेबल को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है F4 जरूर प्रेस करना कीबोर्ड से, क्योंकि इसके साथ क्या होगा, जो ये सेल है वो फिक्स हो जाते हैं। देन उसके बाद हमारे पास है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, हमने ग्रेड्स निकालनी है, तो ये हमारे पास इसमें दो ही कॉलम इंडेक्स है, पहला 1 है, दूसरा हमारे पास ग्रेड्स का है 2nd। तो यहाँ पर हम जो है 2nd जो उसको कॉलम को लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास है अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट। एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास जो है पॉइंट्स में भी वैल्यूज है, तो अभी हम अप्रोक्सीमेट मैच जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम जैसे ही एंटर करेंगे तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पर ग्रेड्स जो है सभी में फिल हो गई हैं। तो 70.2 जो है वो है हमारे पास सी ग्रेड, 74.2 भी सी ग्रेड है, जैसे 80.4 जो है वो बी ग्रेड है। तो इस तरीके से आप जो है ग्रेड्स निकाल सकते हो। तो ये देखो इस तरीके से ये सभी स्टूडेंट्स की हमारे पास ग्रेड्स जो है वो आ गई हैं। और यहाँ पर आप जो है ये भी मतलब कि ग्रेड्स तो आप निकाल सकते हो, अगर आपने जो है रैंक का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो वो भी उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो क्रिएट की हुई है कि हम इनकी पोजीशन किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो वो भी आप उसमें चेक कर सकते हो। और फिलहाल अभी मैं इसमें आपको रैंक का फॉर्मूला भी एक बार अप्लाई करके बता देती हूँ, सॉरी पोजिशन, कि हम पोजिशन किस तरीके से निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स की। तो ये देखो यहाँ पर उसके लिए हम जो है रैंक का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जैसे इक्वल रैंक, तो ये रैंक का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया।
और उसके लिए आप जो है पहले नंबर सिलेक्ट करोगे। नंबर जैसे ये रैंक जो है, या तो आप टोटल को देखते हुए निकाल सकते हो या फिर परसेंटेज को। जैसे हमने परसेंटेज यहाँ पर सिलेक्ट की, देन उसके बाद आप क्या करोगे, रेफरेंस, तो जो ये हमारे पास टोटल हमारा परसेंटेज का जो कॉलम है, उस सारे कॉलम को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ये आ गया, उसके बाद आप क्या करोगे, इसके साथ भी आप F4 प्रेस कर दोगे। तो F4 जैसे ही आप प्रेस करोगे, उसके बाद एंटर करोगे, तो ये देखो यहाँ पर इनकी पोजीशंस भी निकल चुकी हैं। तो हम पहले देख लेते हैं ए ग्रेड किस स्टूडेंट की है। तो ए ग्रेड यहाँ पर किसी स्टूडेंट की ए ग्रेड नहीं है, बी ग्रेड जरूर है, ये रहा 85.4। तो इसकी फर्स्ट पोजीशन हमारे पास आ गई है। और हम डी ग्रेड देख लेते हैं, तो ये भी है हमारे पास, ये 83.2 बी ग्रेड है जिसकी, उसकी सेकंड पोजीशन है। तो इस तरीके से हम जो है पोजीशंस भी निकाल सकते हैं रैंक का फॉर्मूला यूज करके। लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप करना, मतलब वर्टिकल चेक करना, ठीक है, कुछ भी। और जैसे ये हमारे पास रिकॉर्ड है प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जैसे ये मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, लैपटॉप, सेलफोन, कीबोर्ड, और इनकी क्वांटिटी यहाँ पर लिखी हुई है और प्राइस लिखा हुआ है, और साथ में ये यहाँ पर हमने टोटल किया हुआ है कि कितनी क्वांटिटी और कितने प्राइस है, तो उसके साथ जैसे इस तरीके से हमने टोटल निकाला हुआ है। तो यहाँ पर हम वी लुकअप किस तरीके से यूज करते हैं? वी लुकअप जैसे ये तो हमारे पास एक मतलब की छोटा सा हमारे पास टेबल है। अगर हमारे पास बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है, ठीक है, जिसमें हमें हमने कुछ भी सर्च करना हो, जैसे मान लो यहाँ पर तो हमें शो हो रहा है, हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि कितना प्राइस है या कुछ भी है, और उसमें अगर हमने चेक करना है कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस चेक करना है या उसकी क्वांटिटी या उसकी आईडी, उसका कुछ भी हमने चेक करना है, तो वी लुकअप फॉर्मूला बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल होगा। जैसे यहाँ पर मैं मतलब पहले यहाँ पर इंसर्ट कर लेती हूँ, जैसे मैं प्रिंटर जो है उसका प्राइस चेक करूंगी कि प्रिंटर का प्राइस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रिंटर, और यहाँ पर हम जो है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूले में क्या होता है, इक्वल के साथ जैसे ही हम वी लुकअप यहाँ पर फिल करेंगे तो ये इस तरीके से हमें शो होगा। तो सबसे पहले वो बोल रहा है लुकअप वैल्यू किसके लिए आपने चेक करना है, तो हम जो यहाँ पर हमने फिल किया है प्रिंटर के लिए हम चेक करेंगे, ओके। देन उसके बाद कॉमा डालेंगे, उसके बाद है टेबल एरे। टेबल एरे किस टेबल में से आप उसको चेक करोगे, तो आप इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करोगे, देन उसके बाद F4 जरूर प्रेस करना। F4 के साथ क्या होता है, ये जो हमारे पास सेल्स होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, प्रिंटर के लिए आप क्या चेक करना चाहते हो, प्रिंटर का हम जो है प्राइस चेक करना चाहते हैं कि प्रिंटर का प्राइस कितना है, तो ये कौन से कॉलम है, ये कौन सा कॉलम है। जैसे यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर हमने लिखना है, तो ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये हमारे पास चौथा हो गया, तो ये प्राइस वाला हमारे पास तीसरा है, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। देन उसके बाद हमारे पास है अप्रोक्सीमेट मैच या फिर एग्जैक्ट, हम बिल्कुल एग्जैक्ट मैच चाहते हैं, जितना वहां पर लिखा हो उतना हमें मैच चाहिए, तो हम इसके बाद हम कर देंगे एंटर। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो प्रिंटर का जो प्राइस है वो यहाँ पर शो होने लग गया, और यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो प्रिंटर का प्राइस हमारे पास इतना है। तो इस तरीके से हम जो है वी लुकअप को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर तो हम फिलहाल यहाँ पर टाइप कर रहे थे, एक और है कि आप जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट कोई क्रिएट कर लो, जैसे यहाँ से मैं जाती हूँ, यहाँ से हमारे पास डेटा वैलिडेशन में हम जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जहां से जैसे ये मैंने लिस्ट को सिलेक्ट किया, देन उसके बाद यहाँ पर सोर्स में हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उन सभी को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, ठीक है। देन उसके बाद आप कर दोगे ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई है। अभी यहाँ पर फिर से हम वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वी लुकअप, तो ये देखो मैंने फिर से अप्लाई किया, लुकअप वैल्यू कौन सी है, जो ये हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की हुई है। उसके बाद टेबल एरे किसमें से आपने चेक करना है, तो आप इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करोगे और साथ में F4 प्रेस करोगे। देन उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, आप उसका प्राइस चेक करना चाहते हो या क्वांटिटी, अगर आपने क्वांटिटी चेक करनी है तो ये सेकेंड कॉलम है, प्राइस चेक करना है तो 3, तो अभी फिलहाल मैं प्राइस चेक करूंगी, 3 मैंने फिल कर दिया। देन उसके बाद हम जो है एग्जैक्ट मैच चेक करेंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अभी फिलहाल आपको कोई वैल्यू शो नहीं हुई क्योंकि अभी हमने यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो उसका प्राइस यहाँ पर शो होने लग जाएगा। कीबोर्ड का 500 है, आप चेक कर सकते हो कीबोर्ड का 500 है। उसके बाद हमारे पास है सेल फोन्स का चेक कर सकते हो 15,000 है। तो इस तरीके से जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट पे हमारे पास काफी फायदा हो जाता है कि हम जो है एक में ही मतलब कि अलग अलग जो है उसको चेक कर सकते हैं। जैसे ये माउस का चेक कर सकते हो 250 है,
अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या फिर आप एज अ कैशियर वर्क कर रहे हो किसी भी मॉल में या कहीं पर भी, तो ये फॉर्मूला आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। आप क्या कर सकते हो, अपना इस तरीके से जो है अपना रेडी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स लिख सकते हो, और यहाँ पर आपने जैसे प्राइस लिख लिया, और इस तरीके से आपने जो है यहाँ पर आप लिख सकते हो क्वांटिटी की, उसने कितनी क्वांटिटी उस चीज की सिलेक्ट की है, और यहाँ पर आप जो है टोटल प्राइस लिख सकते हो। तो ये देखो इस तरीके से आप जो है टोटल प्राइस लिख सकते हो। तो जैसे ये आप अपनी हेडिंग्स क्रिएट कर लोगे इस तरीके से, होम में जाकर हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं इसको, साइज इसका थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ पर हम इसको कलर दे देते हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने कलर दे दिया, और इसको हम जो है टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं इस तरीके से। हम क्या करते हैं इसको बॉर्डर दे देते हैं, जैसे ये मैं यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देती हूँ, तो यहाँ पर हमने ऑल बॉर्डर कर दिया। तो आप इस तरीके से इसको क्रिएट करके रख सकते हो। और यहाँ पर आपने जैसे वही आप प्रोडक्ट्स कि आप जो है इनकी सबकी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर लोगे, यहाँ पर आप वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो ये वाला, और यहाँ पर क्वांटिटी, जैसे मानो किसी ने बिल आपसे कटवाना है और उसने माउस जो है यहाँ पर हमारे पास, उसने जैसे 100 माउस यहाँ पर परचेज किए हैं, तो आप उसका टोटल प्राइस इजीली वहां पर ही निकाल सकते हो। जैसे ये हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, इक्वल फॉर्मूला अप्लाई किया प्राइस वाले सेल को, इसको सिलेक्ट करोगे, देन उसके बाद आप जो है मल्टीप्लाई को सिलेक्ट करोगे कीबोर्ड से, और उसके बाद इसको सिलेक्ट करोगे, देन एंटर करोगे, तो यहाँ पर आपको उसका टोटल प्राइस मिल जाएगा। जैसे अगर किसी और ने इसको, जैसे यहाँ पर आप क्वांटिटी चेंज कर सकते हो, किसी ने जैसे 70 ही परचेज किया, तो उसका टोटल प्राइस यहाँ पर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। जैसे अगर आपने किसी का टोटल प्राइस निकालना है, या फिर आपने किसी के पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट का कुछ भी चेक करना है, जैसे कुछ भी प्राइस अमाउंट, तो ये फॉर्मूला आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा।